Hello students, this is Shaheen and in this lecture video we will discuss the basic concepts related to sets, relation and function. Sets kya hota hai? Set ek defined form hai jahan pe collection of well defined distinct objects milte hain. Ye aapki proper definition hai is PDF ki, ki well defined objects milte hain. Jaise A, E, I, O, U hai. ये आपके वॉवल्स हैं, बेसिकली आपको पता होंगे. तो ये जो वॉवल्स हैं ये वेल डिफाइंड है, ठीक है. इसको कहते हैं ब्रेसेस. ये जो ब्रैकेट होता है इसको कहते हैं ब्रेसेस. ये सब आपको पता होना चाहिए जब ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे थे. तो सेट्स का मतलब होता है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट जो एक ब्रेसेस के अंदर होंगे और जो आपको एक प्रॉपर फ्रेम दिखाएंगे कि ये किस चीज को आइडेंटिफाई कर रहा है, ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है. ये होता है सेट्स. इसकी दो फॉर्म्स होती है. सेट को रिप्रेजेंट करने की दो फॉर्म्स होती है. एक फॉर्म होती है आपकी रोस्टर फॉर्म और एक होती है आपकी सेट बिल्डर फॉर्म. ये आप सब लोगों ने 11th क्लास में बहुत ही अच्छे से पढ़ा होगा कि रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म क्या होते हैं. मैं रिवाइज करवा देती हूँ. रोस्टर फॉर्म क्या होती है? जिसके अंदर 1, 2, 3, 4 इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं. और इसमें क्या होता है? x such that x where x is a natural number. इस तरीके से होता था. natural number that starts from x, x starts from 1 से छोटा है, 1 के बराबर है, 1 से बड़ा है और 4 तक है. इस तरीके से होता था. ये आपकी रिप्रेजेंटेशन फॉर्म्स में सेट. और कुछ चीजों की बात करते हैं जो आपको सेट से रिलेटेड पता होना चाहिए. जैसे कि आपको पता होना चाहिए नेचुरल नंबर क्या होते हैं. ये आई नो आप लोगों को बहुत ही अच्छे से पता होंगे होल नंबर क्या होते हैं, बट बेसिक चीजें जो कि इसके अंदर आएंगी तो मैं सबको रिवाइज करा देती हूँ ये चीजें होती क्या है. नेचुरल नंबर्स होते हैं द नंबर्स विच आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to infinity तक चलते रहते हैं. 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन. होल नंबर 0 से स्टार्ट होके 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन चलते रहते हैं. प्राइम नंबर द नंबर विच इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ. खुद से डिविजिबल होते हैं. बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि 1 इज अ प्राइम नंबर, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर. 1 के टेबल में तो सारे नंबर्स आते हैं तो 1 प्राइम नंबर में नहीं कंसिडर किया जा सकता. 2 इज अ प्राइम नंबर, 3 इज अ प्राइम नंबर. क्यों? क्योंकि ये सिर्फ खुद के टेबल में और 1 के टेबल में आते हैं. प्राइम नंबर्स के बाद इंटीजर्स. इंटीजर्स में क्लासिफिकेशन दो पार्ट में होता है, पॉजिटिव नेगेटिव और एक आपका होता है जीरो. पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता इसमें. सारे पॉजिटिव 1 पॉजिटिव 2 आते हैं. नेगेटिव नंबर में नेगेटिव 1 नेगेटिव 2 आते हैं. अब ये मैं बता क्यों रही हूँ? रीजन बीइंग कि इसके अंदर आपसे क्वेश्चन बोला जाएगा कि x such that x is a real number. तो आपको जब यही क्लैरिटी नहीं होगी कि रियल नंबर क्या होते हैं तो आप किस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे. तो इसलिए हमने प्राइम नंबर्स देख लिया. इवन नंबर्स कौन से होते हैं? नंबर डिविजिबल बाय 2 और ऑड नंबर्स द नंबर्स व्हिच इज नॉट डिविजिबल बाय 2. नॉट डिविजिबल बाय 2. रेशनल नंबर्स द नंबर्स व्हिच इज इन द फॉर्म ऑफ p बाय q. मींस 2 मान लो तो 2 बाय 1, 3 बाय 2, 4 बाय 5. ये हो गए आपके रेशनल नंबर्स. इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स जो कि p by q की फॉर्म में नहीं होते. द नंबर व्हिच इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ p by q. जैसे कि रूट में 26 जिसका रूट पॉसिबल नहीं है. रूट में 25 इज नॉट अ इरेशनल नंबर. ये रेशनल है क्योंकि 25 को आप सॉल्व करके 5 by 1 लिख सकते हो. उसके बाद रियल नंबर्स कौन से हो गए? रियल नंबर्स में सारे नंबर्स आ जाते हैं. रेशनल प्लस इरेशनल नंबर्स दोनों रियल नंबर्स में आ जाते हैं. तो ये बेसिक कुछ चीजें थी जो कि आपको बतानी बहुत जरूरी थी और मैंने ज्यादा टाइम नहीं लिया. जल्दी 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 आपको सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी. देखो ये वाली जो आपकी फॉर्म है ना, ये रोस्टर फॉर्म देख रहे हो. ए ई आई ओ यू 2, 4, 6, 8 ये रिप्रेजेंट करता है. ये सेट बिल्डर फॉर्म. ये वाली जो हो गई ये सब कुछ इक्वेशन की फॉर्म में इस तरीके से बताया गया. यहाँ पे सेट बिल्डर लिखा है. सेट बिल्डर और एलजेब्रिक और रूल मेथड भी इसको कहते हैं. अब आपसे ये अगर पूछेंगे तो ये तो आपको लाइन टू लाइन पढ़ना पड़ेगा. इसको ब्रेसेस कहते हैं, मैं पहले ही बता चुकी हूँ. तो ये तो आपको पढ़नी पड़ेगी. ये कुछ चीजें जो कि आपकी इस पीडीएफ में गो थ्रू करोगे तो आपको सब कुछ मिलेगा.
इसके बाद सबसेट की बात करें तो सबसेट क्या होते हैं, यूनियन क्या होते हैं, वेन डायग्राम्स क्या होते हैं, वन बाय वन इनकी डिस्कशन करते हैं। जैसे कि अगर आप इस फिगर को देखो तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पी, और ये होता है एस, ये पूरा यूनिवर्स होता है, ये देख रहे हो ब्लैंक पूरा, इसको यू से डिनोट करते हैं यूनिवर्स, सारे के सारे एलिमेंट्स इस यूनिवर्स के अंदर इंडिकेट करते हैं। एक होता है यूनियन और एक होता है इंटरसेक्शन। यूनियन इंडिकेट क्या करता है कि सारे के सारे एलिमेंट्स, मान लो ये आपकी, इसके अंदर दो नंबर, तो ये सारी की सारी जो होगी ये सब कुछ रिप्रेजेंट हो जाता है यूनियन के अंदर, चाहे वो पोर्शन हो जो दोनों के अंदर आ रहा हो, देख रहे हो ये पोर्शन दोनों के अंदर आ रहा है, दैट इज इंटरसेक्शन, पी इंटरसेक्शन क्यू है, और जो ये पूरा पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक का, ये सारा यूनियन में आएगा। ये पी अलग इंडिविजुअल डिनोट कर रहा है, ये एस अलग है, ये इंटरसेक्शन डिनोट कर रहा है, और ये यूनियन डिनोट कर रहा है पी यूनियन क्यू। अच्छा एक एग्जाम्पल लेते हैं इसके थ्रू, देखो जैसे इन्होंने P इंटरसेक्शन Q दिए रखा है, P मान लेती हूँ मैं एक नंबर है 1, 2, 3, और Q एक नंबर है जो ले लेती हूँ 2, 4, 6, तो मैंने बोला P यूनियन Q बताओ, तो P यूनियन Q होगा मीन्स ये सारे एलिमेंट्स सब कुछ, लेकिन जो बार बार आ रहा है वो नहीं लिखोगे, वो दोबारा नहीं लिखोगे, एक बार तो लिखोगे, इट्स लाइक दिस 1, 2, 3, 4, 6, ये यूनियन में कंसिडर होते हैं। इंटरसेक्शन में क्या कंसिडर होंगे, जैसे कि अभी हमने लिखा था 1, 2, 3 पी के एलिमेंट्स थे और क्यू के थे 2, 4, 6, तो पी के एलिमेंट्स में क्या कंसिडर होंगे, दैट इज 2, ओनली एंड ओनली 2। कभी कभी क्या होता है कि पी की वैल्यू जैसे 1, 2, 3 दे दी और क्यू की वैल्यू दे दी मैंने 4, 5, 6। अब अगर मैंने आपसे इंटरसेक्शन पूछा ना तो आप बोलोगे कि कुछ भी नहीं, तो ये हो जाता है आपका फाइव, नल सेट कहते हैं, ये भी पता होना चाहिए। ये छोटी छोटी सी बारीक बारीक सी चीजें आपसे क्वेश्चन पूछेंगे और फिर पेपर इस तरीके का लगता है कि पेपर कॉम्प्लिकेटेड था, जबकि पेपर कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है। कुछ फॉर्मूले भी देख लो, जैसे कि ये फॉर्मूला आएगा एन ए यूनियन बी का, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे सपोज एन ए की वैल्यू आपको कुछ दे दी 2/4 दे दी, ये एग्जाम्पल ले रही हूँ तो वैल्यूज से मत जाइएगा, क्योंकि फिर आप बोलोगे कि वैल्यूज न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, इस तरीके से। क्योंकि अगर इनकी डिटेल में डिस्कशन करने लगे तो फिर लेक्चर वीडियो तो बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाएगा आप लोगों को। ये आपको दे रखा है मान लो 2/5, तो आपसे पूछी है ए यूनियन बी की वैल्यू, तो आप इन सबको रख के 2/4 + 1/3 -2/5 उसको सॉल्व करके आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत जरूरी है, और ये बहुत जरूरी है, ये अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो, सो दैट जब आप इसकी रिवीजन करो, ये बहुत ध्यान रखना कि कुछ पॉइंट्स लिखते जाओ, सो दैट जब आपकी रिवीजन टाइम आए तो आपको इधर उधर वीडियो दोबारा से ना खोल के देखनी पड़े, इसी को आप रिवीजन के उसमें करो। अब इक्विवेलेंट क्या होता है, इक्विवेलेंट नाम से समझ आ गया, जब दो जो है वो बिल्कुल ही एक जैसे हैं तो वो इक्विवेलेंट कहलाएगा, अदरवाइज नहीं कहलाएगा। जैसे इसका एग्जांपल अगर देखो तो सेट ए और सेट बी इक्विवेलेंट नहीं है, इक्विवेलेंट है और इक्विवेलेंट बट नॉट इक्वल। इक्वल कैसे होते, जब 1, 1, 3, 3, 5, 5 होता, इक्विवेलेंट तो है क्योंकि इसके तीन वेरिएबल, इसके तीन है, इसके मतलब इसके सेट के अंदर तीन नंबर्स है और इसके सेट में भी तीन एलिमेंट्स है, तो इक्विवेलेंट तो है लेकिन इक्वल नहीं है। इक्वल क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो एलिमेंट्स ए में रिप्रेजेंट कर रहा है वो बी में नहीं कर रहा। एक होता है बिलोंग्स टू, ये जो सिंबल होता है बिलोंग्स टू का होता है, ये डज नॉट बिलोंग्स टू का होता है। ये भी कॉन्सेप्ट बेस्ड बता रही हूँ, ये आपके इसके अंदर पीडीएफ में नहीं मिलेगा, ये एक्स्ट्रा चीजें हैं। और देखो जैसे ए के एलिमेंट्स, ए की बात करते हैं 1, 2, 3 और बी की बात करते हैं 5, 6, 7। अब आपसे इन्होंने बोला कि एक सेट है सी, आप बोल रहे हैं इसके अंदर 2 है, तो डज ए बिलोंग्स टू सी, आपसे पूछे बताओ ट्रू है कि फॉल्स है, तो आप बोलोगे दैट इज ट्रू। क्यों, क्योंकि ए के एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहा है, 2 आ रहा है। लेकिन अगर एक पी एलिमेंट है जिसके अंदर एक एलिमेंट है 9, तो आप बोल रहे हो कि ए बिलोंग कर रहा है पी को या बी बिलोंग कर रहा है
पी बिलोंग कर रहा है ए को या पी बिलोंग कर रहा है बी को तो बिल्कुल भी गलत हो जाएगी इससे, क्योंकि नाइन ना तो इस वाले एलिमेंट में आ रहा है और ना इस वाले एलिमेंट में आ रहा है। ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, इंटरसेक्शन वगैरह सब बता दिया मैंने। और कुछ कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं, जैसे प्रोडक्ट सेट की बात करते हैं। लेक्चर वीडियो में सारे कॉन्सेप्ट बता दूंगी ताकि पेपर में आप लोग इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट से रिलेटेड गलती ना करो। ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं, दो एलिमेंट्स हैं ए और बी लिस्टेड इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर, जब एक स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखे जाते हैं ऑर्डर्ड पेयर कहलाते हैं, ये तो वर्ड से ही समझ आता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, जैसे ए के अंदर अगर आपके सेट है इसमें बोल रखा है 1 2 3 और बी के अंदर बोल रखा है 1 4 5, तो इन्होंने बोला है प्रोडक्ट करो, इसका प्रोडक्ट करो। प्रोडक्ट कैसे करेंगे, ऐसे नहीं करना 1 4 4 1 5 5, ऐसे नहीं। A into B is equals to 1, 4, 1, 5, 2, 4, 2, 5, 3, 4, 3, 5। ये सारा आपका इसके अंदर प्रोडक्ट में आ जाएगा, तो ये होपफुली क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं इसके लिए रिलेशन एंड फंक्शंस की कुछ बात करते हैं। रेंज होता है, डोमेन होता है, कौन कौन सी वैल्यू होती है इसके बारे में बात करेंगे, डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है। इस चैप्टर को इतना डिटेल में क्यों बता रही हूँ, रीजन इज कि इसके अंदर से आपसे बिल्कुल छोटी छोटी सी चीजें पूछेंगी, नॉन एम्प्टी सेट क्या होता है, मैपिंग क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, रिलेशन क्या होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे क्या होता है, पार्ट होता है, ये वर्ड्स क्लियर होने चाहिए। रिलेशन का मतलब जब एक्स और वाई में कोई ना कोई कनेक्शन बन रहा हो, रिलेशन 3x - y = 4, तो कनेक्शन बन रहा है ना, एक इक्वेशन प्रॉपर। फंक्शन हो गया नॉन एम्प्टी सेट, जिस सेट में कुछ ना कुछ वेरिएबल्स होंगे, कुछ ना कुछ एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। उसके बाद देखो डोमेन की बात करते हैं। डोमेन में आपको एक ले लिया इन्होंने ए ले लिया, एक बी ले लिया। अब इन्होंने बोला fx = x2, मतलब अगर आप एफ वन रखते हो तो 1 आता है, 2 रखते हो तो 4 आता है, 3 रखते हो तो 9 आता है, 4 रखते हो तो 16 आता है। तो डोमेन इज द स्टार्टिंग वेरिएबल जिसको आप 1, 1, 1, 2, 4, 3, 9, 4, 16 और आपका फिर अगर आप 5 रखते हो सपोज तो 5, 9 सेट बनेगा। तो जो स्टार्टिंग की वैल्यूज है ना, ये इंडिकेट्स दैट ये डोमेन है, और ये जो लास्ट की वैल्यूज है ये इंडिकेट करती है कि ये रेंज है। आगे बढ़ते हैं उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट नाम्स होते हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ फंक्शंस। फंक्शंस की बात करते हैं। 1-1 फंक्शन क्या होता है, 1-1 फंक्शन होता है इफ ए इज ब्लॉक ए इज टू बी, इफ डिफरेंट एलिमेंट इन ए हैव डिफरेंट इमेजेस इन बी देन एफ इज सेट टू बी 1। यहाँ की डिफरेंट इमेजेस बन रही है, 1 के साथ 2 की इमेज, 1 के साथ 3 की इमेज, 2 के साथ 3 की इमेज, देख रहे हो। यहाँ पे डबल डबल हो सकता है लेकिन यहाँ पे ओनली एंड ओनली 1 इमेज बननी चाहिए, तो ये आपकी आ जाएगी 1-1 फंक्शन। 1-1 फंक्शन के बाद ऑन टू फंक्शन देखो। ऑन टू फंक्शन कौन सा होता है, ऑन टू और सर्जेक्टिव फंक्शन होता है, has at least one pre-image, कम से कम एक हो। ऐसा ना हो कि अभी हमने 1-1 में देखा था कि कुछ छूटा हुआ था, इसके अंदर कम से कम एक इमेज तो होनी ही होनी चाहिए। जैसे कि आप एक एग्जाम्पल में इसमें देख रहे हो, ये 1-1 है ऑफ x ऑन 2 है, देख रहे हो। बायजेक्टिव फंक्शन, बायजेक्टिव कब होगा, 1-1 कब होगा, 1-1 और ऑन टू फंक्शन सेट टू बी बायजेक्टिव। बायजेक्टिव फंक्शन इज ऑल्सो नोन एज 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस। इसके बाद आइडेंटिटी कौन सा होगा, नॉन एम्प्टी सेट इसमें होंगे, ये तो इतना कुछ काम करना है। आगे बढ़ते हैं इसमें, ये ऑन टू और सर्जेक्टिव ये हमने देख लिया, बायजेक्टिव आइडेंटिटी देख ली। इक्वल फंक्शन, इक्वल फंक्शन कौन से होगा, जो बिल्कुल इक्वल होंगे, एफ इज इक्वल टू जी, एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स। इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन कौन सा होगा, इनवर्स डिनोट किससे होता है, दैट इज एफ नेगेटिव इज डी इज इक्वल टू ए दे रखा या बी दे रखा, ये है नेगेटिव से डिनोट होता है।
अब देखो इनवर्स फंक्शन, लेट एफ बी वन वन ऑन टू फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, लेट वाई बी एन आर्बिट्री एलिमेंट, ये दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई दे रखा है, तो यहाँ से एफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई है, एक्स की वैल्यू एफ इनवर्स वाई मिलेगी, दैट्स इसके अलावा आपको कुछ नहीं। अगर फिर भी कुछ डाउट्स कॉन्सेप्ट वाली क्लास में रह जाएंगे तो आप लोगों के लिए जब मैं उसकी क्लास की वीडियो लाऊंगी क्वेश्चंस की, तो मैं सारी की सारी चीजें दोबारा से एक बार डिस्कस कर दूंगी कि ये फंक्शंस क्या होते हैं, ये फंक्शंस क्या होते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में मिलेंगे, उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, सो स्टे ट्यून्ड।